पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी की त्रिमूर्ति ने मध्य प्रदेश जीतने की जो प्लानिंग की है उसका ब्लूप्रिंट धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब तक बीजेपी ने 79 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है जिसमें 7 सांसदों को भी टिकट दिया गया, इनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं। अब जो चर्चा है उसके मुताबिक केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अगली लिस्ट में बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। असल में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे, जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री भी रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने चुनाव लड़ने में असमर्थता जाहिर कर दी है और इसकी जानकारी उन्होंने पार्टी को भी दे दी है और इसी वजह से अब चर्चा ये हो रही है कि जिस शिवपुरी सीट से यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव लड़ती थी, अब उसी सीट से बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव मैदान में उतार सकती है। शिवपुरी सीट 1998 से बीजेपी जीतती आ रही। 1998, 2003, 2013, 2018 में यशोधरा यहां से जीती थी। पिछला चुनाव यशोधरा 28,000 वोटों से जीती थी। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए शिवपुरी की सीट सबसे सेफ सीट है। हालांकि 2008 के चुनाव में जब यशोधरा के सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ तो कड़ा मुकाबला हुआ था, तब महज 1700 वोटों से बीजेपी की जीत हुई थी। इसीलिए माना जा रहा कि यशोधरा के चुनाव न लड़ने पर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस सीट से उतारेगी। 2018 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव था तब कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम पद के स्वाभाविक उम्मीदवार माने जाते थे, लेकिन कुर्सी मिली कमलनाथ को। 2019 में वो अपनी परंपरागत सीट से लोकसभा का चुनाव हार गए और बाद में पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए। 2020 में जब भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा की तरफ से तोहफे के रूप में उन्हें राज्यसभा भेजा गया और केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। सिंधिया जिस शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं वो चंबल रीजन में आती है। चंबल रीजन में 34 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस ने 26 सीटें जीती थी, बीजेपी को महज 7 सीटें मिली थी, जबकि एक सीट बीएसपी के खाते में गई थी। यशोधरा जी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की चर्चा चल रही है, पार्टी लड़ाई की चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, ये कांग्रेस जैसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रत्याशी के चयन का विषय होता है तो केंद्रीय चुनाव समिति करती है। निर्णय के बाद जिसे अधिकृत करती है वो व्यक्ति उस पर बोलता है, तो आप लोग इंतजार करिए। अब जब पार्टी मध्य प्रदेश की राजनीति में मेकओवर के इरादे से उतरी है तो एक एक सीट के लिए समीकरण बनाए और बिठाए जा रहे। अब जो चर्चा है उसके मुताबिक मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता, टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र कुमार और राजगढ़ से सांसद रोडमल नागर को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। पार्टी की रणनीति यह है कि इन सांसदों को चुनाव मैदान में उतारकर आसपास की सीटों पर भी असर डाला जाए। इससे पहले की लिस्ट में सीधी की सांसद रीति पाठक, सतना के सांसद गणेश सिंह, जबलपुर के सांसद राकेश सिंह, होशंगाबाद से सांसद उदय प्रताप सिंह को पार्टी उम्मीदवार बना चुकी है। इनके अलावा पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय को भी पार्टी विधानसभा के रण में उतार चुकी है। इंदौर वन सीट से कैलाश उम्मीदवार हैं और अब तो वो प्रचार भी शुरू कर चुके हैं।